इट इज़ डे 8 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1 मिलियन माइंड्स इंग्लिश फॉर TCT। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट मिलियन माइंड्स का, और जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमारा यहाँ है और क्वेश्चन नंबर 106 to 125 आज हम करने वाले हैं, और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। देखिए, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं, उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर रखते हैं। और अगर पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर से, तो कहाँ किस में पूछे गए हैं मैं ट्राई करती हूँ कि वो ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आऊँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक, देखिए इस वीडियो को, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लें। और आज हम स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 सेंचुरीज तक। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद जो इंग्लैंड है 3 लैंग्वेज नेशन बन गया, और 200 सालों तक, 2 सेंचुरीज तक। और वो 3 लैंग्वेज कौन सी थी, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए, ओल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, जहाँ पर हम कैल्ट्स, रोमन्स को देखते हैं, एंग्लो सेक्शंस को देखते हैं, विकिंस को देखते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मन्स की बात करते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की, तो 166 AD ये कुछ टाइम पीरियड रहता है। और उस वक्त क्या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगी कि ये क्वेश्चन जो है लिया गया है सर ने UGC NET 2013 से ये क्वेश्चन आया है। वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन है, और देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि 3 लैंग्वेज प्रीवेलेंट इन इंग्लैंड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये जो नॉर्मन पीरियड है बिगन होता है 1066 से, और उसके बाद इंग्लैंड में इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन ये तीनों लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश फ्रेंच एंड लैटिन। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। तो खासकर शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ में हमें क्रॉस ड्रेसिंग मिलती है। और देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग से हम इसी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने Day 6 में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, जहाँ पर ये पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद द डिसकंसर्टिंग न्यू सेंस ऑफ अ बॉय एक्टर ड्रेसिंग एज अ बॉय वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ अ वूमन इन ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर अकर्स इन। तो कहाँ ये, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, है ना। तो यहाँ पे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इसका आंसर है। मगर अब ये देखिए, अब जो हमारा आपका क्वेश्चन है, और इसको डिटेल में देखने के लिए आप सेट 1 का Day 6 आप देखें इसके लिए। और यहाँ आप देखिए कि ये क्वेश्चन भी हमसे UGC नेट में 2013 में पूछा गया है, सर ने यहाँ भी रखा है। तो ये जो बुक है ना, बहुत हाई UGC नेट वाले लेवल के यहाँ क्वेश्चंस भी हैं। तो इसे अगर आप बड़े ध्यान से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर इसे आप कंप्लीट करते हैं, तो देखो सर ने ये डिज़ाइन की है TCT के लिए। तो TCT भी और आपका PGT भी दोनों ही आपका निकल जाएगा, आपका TCT भी और PGT भी, है ना। डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डेली ये आपको देती जा रही हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वास्तव में इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, और समझती हूँ कि जितनी भी मेहनत कर रही हूँ वो काम में आ रही है, फ्रूटफुल है मेरे लिए। तो आगे देखिए, लिखा है, देखो आया है, और यही क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। तो नॉट यूज़, ये ध्यान रखें, नॉट यूज़। तो इसमें है आंसर है जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में कोई ये नहीं है, इनकी ट्रेजेडी है जूलियस सीजर, क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है। बाकी एज यू लाइक इट, सिंबल इन और 2 जेंटलमैन वेरोना, इनमें इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो जूलियस सीजर है, क्रॉस ड्रेसिंग जो डिवाइस है वो जूलियस सीजर में यूज़ नहीं किया गया है। बाकी आगे देखते हैं, 108 एवरीथिंग
दैट मैन एस्टीम्स एंड्योर्स अ मूमेंट और अ लेट लव्स प्लेजर ड्राइव्स हिज लव अवे. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है. लव्स प्लेजर, प्रेम का जो आनंद है, ड्राइव्स ले जाता है उसके प्रेम को बड़ा दूर ले जाता है. प्रेम का जो आनंद है उसके प्रेम को बड़ा दूर ले जाता है. अगर आनंद है तो फिर प्रेम दूर क्यों चला जाता है. तो इन लाइन में हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलता है. डब्ल्यू वी ईट्स की ये पोएम है, नाम है टू सॉन्ग्स फ्रॉम अ प्ले. और हमें यहाँ पर इस वाली लाइन में क्या मिलता है, हमें पैराडॉक्स मिलता है. और देखो यहाँ भी तो है, एवरीथिंग दैट मैन एस्टीम्स, वो सारी चीज़ें जिससे इंसान जो है ना फेमस हो जाता है, एस्टीम हो जाता है, एंड्योर्स रहती हैं, अ मूमेंट एक क्षण के लिए, और अ डे सिर्फ एक दिन के लिए, ज़्यादा नहीं. तो लव्स प्लेजर ड्राइव्स हिज लव अवे. तो इन लाइन में हमें क्या मिल रहा है, पैराडॉक्स हमें देखने के लिए मिल रहा है इन लाइन्स में. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये एल्यूजन, प्लियोनाज्म और जुग्मा क्या है. देखिए एल्यूजन का मीनिंग लैटिन में किससे, ल्यूट्रे से होता है, जिसको प्ले कहते हैं, प्ले. अब क्या करना है, प्ले करना है मतलब खेलना है. खेलना मतलब प्ले वैसा वाला खेलना नहीं है, शब्दों के साथ खेलने से है. इसमें क्या है कि एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस, किसी चीज़ किसी बात का रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया है. ठीक है, टू एन इवेंट पर्सन प्लेस और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर और आर्ट. तो हमने क्या किया है, किसी पर्सन को किसी चीज़ का रेफरेंस दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि मैं कहीं गई हूँ और कोई मुझे पूछता है कि भाई किसके रेफरेंस से आती हो, तो आई हो तो मैं बता देती हूँ. ठीक है, तो रेफरेंस मतलब यहाँ पर भी किसी इंसान को किसी बात का रेफरेंस दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस यू मे आर लिटररी एल्यूजन द मूवमेंट, यू से, अब मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको भी लिटरली एल्यूजन हो जाएगा, है ना, अगर कोई कहे कि आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस क्यूजोटिक आइडिया, है ना. अब यहाँ पे ये देखो क्यूजोटिक आइडिया, अब किसी को ये नहीं पता कि भाई ये क्यूजोटिक आइडिया क्या है, है ना. अब मुझे नहीं पता भाई शेक्सपियर ने कोई रोमियो एंड जूलियट लिखा है और कोई मुझे कहता है कि डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता भाई कि रोमियो जूलियट कौन है, पर कोई मुझे कह रहा है कि डोंट एक्ट लाइक रोमियो. अब मैं क्या समझ रही हूँ, मुझे नहीं पता, जिसका रेफरेंस, रोमियो का रेफरेंस इस सेंटेंस में मुझे कहा जा रहा है, पर मुझे पता नहीं है कि रोमियो कौन है. तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट या फिर पासिंग रेफरेंस बताया है वो उन सारे वर्क प्लेस पर्सन इन सब का, जिनसे जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, रीडर है या लिसनर है, वो उनको जानता नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे अब बताया कि क्यूजोटिक क्या है. क्यूजोटिक मीन्स स्टूपिड और इम्प्रैक्टिकल. और ये कहाँ से आया है, ड्रीवन फ्रॉम कारवेंटेज जॉन डॉन क्यूजोटी. ये एक स्टोरी है फुलिस नाइट की और उसके मिस एडवेंचर की. अब जब मैंने नहीं पढ़ा तो फिर कोई मुझे कहेगा कि भाई क्यूजोटी का आइडिया है ये. अब मैं उसे यही पूछूंगी कि ये क्यूजोटी क्या होता है. ठीक है, ये तो इल्यूजन है. एक और चीज़ इसको याद रख लीजिए भाई, एक इल्यूजन भी टर्म होता है. ये दोनों ही डिफरेंट है, स्पेलिंग भी इसकी, प्रोनंसिएशन सेम है. अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. देखिए अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. लिखा है जुग्मा. तो जुग्मा क्या होता है, जुग्मा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें सिर्फ एक वर्ब को यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए टू और मोर एक्शन. एक वर्ब से ही एक से ज़्यादा एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है. ये ग्रीक वर्ड है योकिंग और बॉन्डिंग इसका मीनिंग होता है. इसमें क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड यूजुअली कोई वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ये अप्लाई होता है मोर देन वन नाउन ब्लेंडिंग टुगेदर ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली. तो कहीं ना कहीं कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा एक या एक से ज़्यादा नाउन का, और अगर एडजेक्टिव है तो फिर उसे क्वालिफाई करेगा, है ना, उसके बारे में बताएगा. और ये ब्लेंडिंग है टुगेदर ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली डिफरेंट आइडियाज़ को मिलाकर. फॉर इंस्टेंस इन अ सेंटेंस जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर. ठीक है,
तो जॉन लॉस्ट क्या क्या, दो चीज, उसने अपना टेम्पर भी, गुस्सा भी उसे बहुत आ गया और लॉस्ट भी। अब देखो जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, इस सेंटेंस में हमें जुग्मा नज़र आ रहा है। द वर्ब लॉस्ट अप्लाइज टू बोथ नाउन कोट एंड टेम्पर। लॉसिंग अ कोट एंड लॉसिंग टेम्पर आर लॉजिकली और ग्रामेटिकली डिफरेंट आइडियाज दैट आर ब्रॉट टूगेदर इन द अबव मेंशन्ड सेंटेंस। सॉरी आपको थोड़ा सा नहीं दिख, लेकिन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्लियोनाज्म। तो प्लियोनाज्म क्या होता है? द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन इज नेसेसरी। जितने भाई शब्दों की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ किया जाता है फॉर क्लियर एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, उसकी क्लियरिटी रखने के लिए। प्लियोनाज्म is driven from Greek word से लिया गया है, जिसका मीनिंग है एक्सेस। इट इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच है, विच कैन बी डिफाइन, जो ये एक्सप्लेन करता है, बताता है, एज द यूज ऑफ सेकेंड और मोर वर्ड्स, दूसरे और अधिक वर्ड्स और फ्रेज का टू एक्सप्रेस एन आइडिया। दीज वर्ड्स आर, ये वर्ड्स हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब जिनका यूज़ कोई नहीं है, इनकी मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है। इन वर्ड्स को हम सुपरफ्लुअस कहते हैं। इसका रिडंडेंट का सिनोनिम है क्या? सुपरफ्लुअस, है ना, सुपर और फ्लुअस, आवश्यकता से अधिक, है ना, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड एरर भी आता है ग्रामर में, आपने देखा होगा। सच एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्लियोनाज्म, बर्निंग फायर। अब फायर है तो बर्निंग ही होगी, है ना। जैसे कि किसी से हम कह देते हैं भाई कि ये आँख से अंधा है, कान से बहरा है, तो अंधा तो आँख से ही होते हैं, बहरे तो कान से ही होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स कैसे हैं? रिडंडेंट वर्ड्स हैं। इनमें क्या छुपा हुआ है? इनमें प्लियोनाज्म छुपा हुआ है, प्लियोनाज्म, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ब्लैक, डार्कनेस। ठीक है, समटाइम्स प्लियोनाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड टोटोलॉजी। प्लियोनाज्म को टोटोलॉजी भी कहते हैं, विच इज़ द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है टोटोलॉजी का। ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, है ना, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। तो ये जूलियस सीजर से आया है। अब यहाँ पर भी देख लो कि जब कोई चीज़ द मोस्ट अनकाइंडेस्ट है और उसका कंपैरिजन भी सब में से किया जाता है और ऑल, है ना, तो फिर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच प्लियोनाज्म है। अब हम अपने ऑप्शन के पास चलते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए मिलता है और डिफरेंस और कंट्रास्ट पर ये डिपेंड होती है, ये कहीं ना कहीं, जैसे कि एक जॉन डन का है, डेथ दाउ शैल्ट डाई, कि मृत्यु तुम एक दिन मर जाओगी। ठीक है, अब देखिए कितनी गहरी बात तो है, मगर यहाँ देखिए मृत्यु मर जाएगी ये वाली बात कही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? पैराडॉक्स है। तो हमने इल्यूज़न समझ लिया। इल्यूज़न कहीं ना कहीं रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस उन चीज़ों का है जो लिसनर या फिर रीडर है जो जानता नहीं है। ठीक है, ऐसा रेफरेंस हमने जुगमैम में समझा कि कहीं ना कहीं कोई एक वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, तो वर्ब जो है उसके पास एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, उनको बताती है। एडजेक्टिव भी एक या एक से ज़्यादा नाउन को, नाउन के बारे में हमें बताती है। प्लियोनाज्म क्या है भाई? सुपर फ्लुअस वर्ड्स को यूज़ करना है, जैसे कान से बहरा, तो बहरे तो कान से ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है क्या? विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग लिरिकल बल्लड्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज। हाँ, तो ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बल्लड्स पब्लिश किए हैं, और उन्होंने यहाँ पर जब सेकेंड टाइम जब लिरिकल बल्लड पब्लिश हुए हैं 1800 में, सेकेंड टाइम जब लिरिकल बल्लड पब्लिश हुए हैं 1800 में, तो यहाँ पर उन्होंने ऐड किया था पोइटिक डिक्शन, इनके बारे में बताया था, उस वक्त अपना नेम भी यहाँ पर उन्होंने दिया। तो पोइटिक डिक्शन में उन्होंने ये कहा था, टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम द कॉमन लाइफ टू रिलेट और डिस्क्राइब देम,
थ्रो आउट एज फार एज पॉसिबल, और आगे आगे यहाँ पे छोड़ दिया, इसे हमें कंप्लीट करना है कैसे। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे पोइट्रिक डिक्शन में इसके बारे में लिखा है, पोइट्री के बारे में यहाँ पे पोइट्री की डेफिनेशन दी है, और वो कहते हैं कि टू चूज इंसिडेंट्स, की तथ्यों को, इंसिडेंट्स को उन्होंने लिया है, कॉमन लाइफ से दिया है, रिलेट किया है, डिस्क्राइब दिया है, थ्रो आउट एज फार एज पॉसिबल, कैसे इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाई मैन, है ना। तो जो उनकी लैंग्वेज है ऐसी है जिसको इंसानी लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है मैन के द्वारा, मतलब कॉमन पीपल को वो समझ में भी आती है। तो ये इसका आंसर है, और इसको तो याद रखिएगा, कई बार आता है। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच से यहाँ क्वेश्चन है, लिखा है कि द फ्रेज क्या लीव्स डांसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लीप्स डांसिंग, लीप्स क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं, लीप्स क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो लीप्स एक नॉन, हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग है, पर डांस करने का काम कर रही है, ठीक है। तो क्या ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है? अब पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पे एग्जांपल में भी हमारे पास नहीं है, पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल में नहीं है। और ये जो आंसर है वो है पैथेटिक फैलेसी का। जब कोई इंसान खुद इतना खुश है तो उसे ये पूरी आसपास का अपना क्या लग रहा है, खुश लग रहा है। अब पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नेचर है वो ह्यूमन एक्शंस में इंगेज हो जाती है। अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगी, और पैथेटिक फैलेसी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देने वाली हूँ इसका, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वह भी करवा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं रिपीटेड आते हैं, तो फिर एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आंसर क्या है, ठीक है। पन क्या होता है, प्ले विद द बर्ड्स, पन होता है, शब्दों के साथ खेलना पन है। फॉर एग्जांपल इफ अ मैन लॉसेस हिज वाइफ ही पाइंस फॉर अ सेकंड, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है अपनी वाइफ को खो देता है, ही पाइंस इच्छा रखता है पाइंस, मतलब तो पाइंस के दो मतलब हैं, कि एक तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, दुख मनाता है और इच्छा रखता है, दोनों ही हैं इसके मीनिंग। तो पाइंस फॉर सेकंड मतलब, एक तो इससे ये भी मतलब निकल रहा है कि वो दूसरी के लिए इच्छा रखता है, और दूसरा कि वो दुख मनाता है बस सिर्फ सेकंड, कुछ मिनटों सेकंडों का, ठीक है, सेकंड्स और मिनट्स का। अच्छा, तो पैथेटिक फैलेसी हमने समझ लिया, पन हमने समझ लिया, और हाइपरबल बड़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करना किसी बात को, कंसीट क्या है भाई। तो कंसीट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको जो मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, है ना, वो यूज़ किया करते थे कंसीट का, इसीलिए उनके वर्क जो है ना दूर दूर तक समझ में नहीं आते थे। क्यों, कहीं ना कहीं वो जो कंपैरिजन करते थे ना, वो बड़ा ही अजीब सा कंपैरिजन करते थे। मैं आपको एक गाना बताती हूँ, एक गाना है कि ये जो तेरी पायलों की छनछन है, और फिर क्या है, ये जो तेरी पायलों की छनछन है, आशिकों के दिल की धड़कन है। तो आप इसको, इस लाइन को बड़े ध्यान से आप देखो, है ना, हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोइट्री, चाहे वो हिंदी की है, इंग्लिश की है, हम उस पर गौर करने लगते हैं जब हम लिटरेरी डिवाइस पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, बड़ा दूर से देखिए इसको, ज़रा गहराई से देखिए, तो पायल की छनछन है, कैसी है वो, दिल की क्या हो गया ये, हाँ, तो पायल की छनछन दिल की धड़कन, तो कहीं ना पायल की छनछन दिल की धड़कन, कंपैरिजन हो रहा है, वो कंसीट में ही है भाई, ये जो कंपैरिजन है कंसीट में ही है, एक फार फेच्ड कंपैरिजन इसमें दिया जाता है, बड़े दूर का कंपैरिजन इसमें दिया जाता है। जॉन डन बड़ा यूज़ किया करते थे ये मेटाफिजिकल पोइट, और अ ब्रोकन हार्ट और डैमेज क्लॉक, पायल की छनछन दिल की धड़कन, ठीक है, इस तरह से ये कंपैरिजन हमें मिलता है। कहीं ना कहीं हमें सिमिली और मेटाफर बड़े ही छुपे हुए तरीके से हमें कंसीट में देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, लिखा है कि विच रोमांटिक पोइट कॉइन द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम. स्पॉट्स ऑफ टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है. रोमांटिक पोइट हैं भाई ये, और जो प्रीलूड है उसमें इन्होंने यूज़ किया है. बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है. देखिए ये यूजीसी नेट 2010 में आया है. इस प्रैक्टिस सेट में सर ने सारे के सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस डाल दिए हैं. स्पॉट्स ऑफ टाइम का जिक्र है तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इंग्लिश, ये एक रोमांटिक पोइट हैं और स्पॉट्स ऑफ टाइम विलियम प्रिल्यूड में है, बुक 12th में ये दिया गया है. और विलियम वर्ड्सवर्थ इसका आंसर हो जाएगा. प्रिल्यूड जो हमारी बुक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको. प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हो चुकी थी. प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हो चुकी थी, पर ये पब्लिश होती है 1850 में, और वो भी पोस्थूमसली. इनकी वाइफ इसे पब्लिश करवाती हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ इन्हें इसे पब्लिश करवाती हैं, और इस फिर उसका नाम पड़ जाता है क्या, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड प्रिल्यूड में हमें क्या, ऑटोबायोग्राफी देखने के लिए मिलती है विलियम वर्ड्सवर्थ की. 12 बुक इसमें है, ब्लैंक में ये लिखी गई है. और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ का इंटेंशन था, एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर फिलोसॉफिकल, जो रेक्ल्यूज इनका वर्क है, विच जो रेक्ल्यूज है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जिसे कभी फिनिश नहीं कर पाए उसको इसमें जोड़ना चाहते थे. और प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑफ डिटेल्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ. तो ऐसा वर्क है ये प्रिल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ को रिवील करता है, उनके बारे में बताता है. आगे देखते हैं 112 क्वेश्चन की, हु वॉज द लास्ट ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज. हु वॉज द लास्ट ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज. तो देखिए इसका जो आंसर यहाँ दिया हुआ है वह जॉन मिल्टन दिया हुआ है. जो आंसर दिया हुआ है जॉन मिल्टन दिया हुआ है, मगर मैं इस वाले आंसर से यहाँ पर एग्री नहीं हूँ. जॉन बनियन को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है. अब थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में फैक्ट नहीं मिल पाए हैं हाल फिलहाल. और पर हम और क्वेश्चंस देखते हैं. अब आगे हम देखते हैं, लिखा है कि एरर से क्वेश्चन है, और लिखा है द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर. द टीचर रिव्यूड, टीचर ने क्या किया, फिर से देखा, करेक्ट किया किसको, आंसर को, है ना. तो द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन अ सिस्टमैटिक. अब देखो ये सिस्टमैटिक वे, ये जो है ना एक ही वर्ड है, और जो लिखा हुआ है वो है क्या, SYSTEM, सिस्टमैटिकल वे. फाइंड करना है कहाँ पर एरर है, फाइंड करना है कहाँ पर एरर है. देखिए कि जो भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ओरिजिनली वो वर्ड्स हम क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स करके बनाए जाते हैं. कोई वर्ड्स वर्ब है तो हम उससे नाउन बना लेते हैं, नाउन है एडजेक्टिव या वर्ब हम उससे बना लेते हैं. तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स हैं जोड़ने के लिए. जो ये वर्ड है सिस्टमैटिकल, है ना, ए एल लगाकर हम एडजेक्टिव बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सर्कल जो कि नाउन है, हमने कह दिया सर्कुलर, सर्कल को हमने कह दिया सर्कुलर, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया. और सर्कुलर मतलब कैसा, सर्कुलर जैसा, सर्कुलर एडजेक्टिव है. और यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ना सिस्टम से बना है, सिस्टम से सिस्टमैटिक बना है. सिस्टम नाउन, सिस्टमैटिक, इसमें ए एल नहीं लगता, इसमें ए एल नहीं लगता, जबकि इसका एडवर्ब सिस्टमैटिकली बन जाता है, सिस्टमैटिकली. पर एडजेक्टिव में ये ए एल नहीं लगता, तो ये आप इसको याद रख लीजिए. और आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि द डॉक्टर वॉज एकम्पनीड विद द नर्स यस्टरडे. द डॉक्टर वॉज एकम्पनीड विद नर्स यस्टरडे. तो कहाँ एरर है, एरर जो है हमारा कहीं यहाँ पर छुपा हुआ है. तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है, एकम्पनीड विद ना होकर एकम्पनीड बाय, ठीक है. एकम्पनीड विद भी होता है, एकम्पनीड बाय भी होता है, दोनों प्रपोजिशन हम एकम्पनीड के साथ यूज़ करते हैं. बट एकम्पनीड बाय हम यूज़ करेंगे टू रेफर टू पीपल, क्या करने के लिए, पीपल. और यहाँ पे आगे पीपल, नर्स जो है वो पीपल है. एंड एकम्पनीड विद हम यूज़ करते हैं
टू रेफर अ थिंग, थिंग को रेफर करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है आप देख लीजिए। एक एग्जांपल और देती हूँ कि ही वॉज एकम्पनीड बाय हिज मदर, ही वॉज एकम्पनीड बाय हिज मदर, हर जोक वॉज एकम्पनीड विद ह्यूज लाफ्टर, है ना। तो लाफ्टर यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ थिंग है, तो यहाँ पे विद और विद और बाई दोनों ही लगता है, इसको याद रखें, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, द कोटेशन, और क्या कोटेशन है, व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन इज डिफाइनिंग ऑफ, क्या कि जब कोई ऐसी कोटेशन जहाँ पर कोई मैन है इज कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेनिटीज अनिश्चितता में, मिस्ट्री रहस्यों में, संदेह में, बिना किसी इरिटेबल के पहुँच जाता है आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, तथ्य और रीजन के साथ, तो ऐसा क्या जो इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ या डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो देख लीजिए ये चारों ही जो पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, आपको TGT निकालना है, PGT निकालना है, आपको UGC नेट के क्वेश्चन यहाँ पर सर ने दिए हुए हैं, ये टर्म्स को आप ध्यान रखिए। थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी हर एक टर्म्स को, बेसिक ये लेंदी हो रही है भाई, आप आधा आधा करके देख लीजिए, मेरा सजेशन है, बट आई विल एक्सप्लेन इट फुली बाय बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो कि कल भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और आज मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि जिस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, रैपिड फायर ये नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेन बड़े शिद्दत से मैं कर रही हूँ, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा, टाइम जरूर लगेगा, बैठ जाएगा पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करेंगे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। ये एक थ्योरी है जो कि जॉन कीट्स ने इसको ईजाद किया है, जॉन कीट्स ने इस थ्योरी को दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी, हु सजेस्टेड, जो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं इन वन ऑफ हिज फेमस लेटर, वो लेटर इस डैट अ ग्रेट थिंकर इज, है ना, अपने फेमस लेटर में डैट अ ग्रेट थिंकर इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो जॉन कीट्स जो एक ग्रेट थिंकर है, क्या कहते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, ठीक है। तो इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी बताते हैं, इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी ये बताते हैं, जहाँ पर जो एक थिंकर है क्या करता है, बिना किसी, पता नहीं उसकी जो सोचने समझने की जो पहुँचने की जो लिमिट है वो बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ कर अनिश्चितता तक वो पहुँच जाता है, रहस्य डाउट्स, ठीक है। अ पोइट देन हैज़ द पावर टू बरी सेल्फ कॉन्सियसनेस, खुद की चेतना को वो बरी कर देता है भाई, अभी ड्वेल इन अ स्टेट ऑफ ओपननेस, ठीक है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, रास्तों को खोल देता है टू ऑल एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाई विद द ऑब्जेक्ट कंटेम्पलेटेड, और कंटेम्पलेटेड कंटेम्पलेट से बना है, कंटेम्पलेट से बना है, जिसका मीन है लुक थ्रू फ्लुई, वो लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट, किसी चीज़ को बड़े सोच में, गहरे सोच में लंबे समय तक उसे सोचना, वो कंटेम्पलेट कहना है। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है इसका अर्थ, और ये हमें जॉन कीट्स ने दी है। अभी भाई TGT में ये याद रख लीजिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है, डेफिनेशन आपके सामने है, जॉन कीट्स याद रख लीजिए, जॉन कीट्स। यदि हम डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो TS इलियट ने ये टर्म दिया है, बड़े ही डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, लिटररी टर्म्स से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैं लिंक दूंगी, Day 8 में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ अ लिटररी टर्म फर्स्ट यूज बाई TS इलियट इन हिज ऐसे मेटाफिजिकल पोइट्स, अभी मैं जॉन डन की बात कर रही थी, ठीक है। इट रेफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थाट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस of feeling in 17th centuries poet, ठीक है, जहाँ पर वो जो intellectual बौद्धिक
बुद्धिमत्ता से जो थॉट थे, उनके जो विचार थे, सेपरेट किए जाते थे फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी उनने एक्सपीरियंस किया है उससे, ठीक है। तो ये वाली बात तो आप इसको याद रख लीजिए। इसका जो आंसर है नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स ने दिया है। सेकेंडरी इमेजिनेशन की हम बात करेंगे तो टीएस इलियट ने ये टर्म यहाँ पर दिया है। इमेजिनेशन कई सारे प्रकार की होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात करें तो ये अर्नोल्ड ने दिया है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो टीएस इलियट ने दिया है ये, और उनका जो एसे है मेटाफिजिकल पोइट्स उसमें ये दिया है। तो चारों ही ऑप्शन हमने डिटेल में यहाँ पर समझे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोज राइटर्स डू नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पीरियड। तो कौन से प्रोज राइटर हैं, प्रोज राइटर जो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते। तो रोमांटिक पीरियड की बात करें तो 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ के पब्लिश होते हैं लिरिकल बल्लड, टू 1837 तक ये रोमांटिक पीरियड है, जिसमें हमें पीकॉक, हेजलिट और डी क्वेंसी बाद वाले लेटर वाले पीरियड में मिलते हैं इस रोमांटिक पीरियड के। जबकि एडवर्ड गिबन ये हमें रोमांटिक पीरियड में नहीं मिलते। पर गिबन का क्यों जिक्र है, क्यों हमें गिबन को याद रखना चाहिए? तो देखिए, जो गिबन है, ये जो एडवर्ड गिबन है, तो इन्होंने क्या किया है, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इस वर्क को पब्लिश कराया है और 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्क है। क्या, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन, भाई रोमन एम्पायर का कैसे फॉल हुआ, इस बात को वो 6 वॉल्यूम का अपना जो वर्क है उसमें पब्लिश करवाते हैं 1776 to 1789। तो रोमांटिक पीरियड के पहले पीरियड वाले ये गिवन हमारे पास हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे एंड ईपोड से ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पार्ट स्ट्रक्चर इन। तो अगेन मैं कहूँगी, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कहाँ होता है, तो ये जो हमारी पोइट्री की हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जहाँ पे हम सोनेट है ओड है, इन सबको हम जहाँ देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, बल्लड, सोनेट, ओड, ठीक है, तो उसमें ये बार बार। अब ये जो स्ट्रॉफे है, एंटी स्ट्रॉफे है, ईपोड है, ये क्या है, ये पार्ट्स हैं किसके क्लासिक ओड के। ये पैटर्न सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट में भी नहीं है, बल्लड और ग्रीक कोरस में भी नहीं है। थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी इसको। ये जो क्वेश्चन है टीजीटी में पूछा गया है 2011 में, है ना, और सर ने यूं ही कि तुम हमें दे दिया है, स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे एंड ईपोड आर द ग्रुप ऑफ पिंडारिक और क्लासिकल ओड। भाई इसको ध्यान रखो, पिंडारिक और क्लासिकल ओड, विच एन्जॉय ग्रेट रिदमिक एंड मेट्रिकल फ्रीडम। तो ये किसका पार्ट है, जो ओड होते हैं उसमें स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे और ईपोड होता है। जब ओड गाने वाले जब गाते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट है, स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे, जब स्ट्रॉफे है तो राइट साइड लेफ्ट साइड, और ईपोड पर वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये इसकी बात है। तो देखिए, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है लिटरेरी टर्म्स डे 18 में, आप इसको देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द टर्म अमेरिकन रिनेशा वॉज फर्स्ट यूज बाई RWV Lewis लियो मार्क्स। तो अमेरिकन रिनेशा की ये यहाँ पर बात हो रही है। एफ ओ मैथिसियन या रिचार्ड केस, तो जो इसका आंसर है वो एफ ओ मैथिसियन है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन है इंटरनल राइम इज, इंटरनल राइम क्या है भाई, एक्सटर्नल राइम, इंटरनल राइम, ठीक है, राइम भी कई सारे प्रकार की होती है, एक्सटर्नल राइम, इंटरनल राइम, और राइम से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, फॉलिंग रिदम और रेजिंग रिदम, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोइट्री से रिलेटेड हैं। तो इंटरनल राइम क्या है, द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोइम, या राइमिंग ऑफ टू वर्ड्स इन एन अल्टरनेटिव लाइन्स, या फिर राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ द पोइट्री, या फिर ऑल द लाइन्स ऑफ पोइम एंडिंग विद द सेम लाइन पैटर्न।
तो भाई इसका जो आंसर है वो है सी, राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स द सेम लाइन, एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की राइमिंग मिल जाती है। और आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द मैकेबर एलिमेंट इन ड्रामा वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो मैकेबर एलिमेंट क्या होते हैं, अनप्लीजेंट एलिमेंट है ना, मृत्यु से रिलेटेड जो है। तो इसका जो आंसर है वो मार्लो नहीं है, बेन जॉनसन और लिली भी नहीं, इसका आंसर है जॉन बेब्स्टर। जॉन बेब्स्टर ने अपने वर्क में मैकेबर एलिमेंट्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फैंसी डील्स विद डेफिनिटीज फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज इमेजिनेशन एंड रीजन जजमेंट एंड मेमोरी स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो फैंसी जो है, फैंसी हम किसको कहते हैं, कल्पना को कहते हैं, है ना, कल्पनाएं जो है हमारी इमेजिनेशन है। तो जो फैंसीज है वह इसका आंसर है क्या, इमेजिनेशन एंड रीजन, इमेजिनेशन एंड रीजन। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंदन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब एज एन अप स्टार्ट क्रो बाय, तो इनको अप स्टार्ट क्रो, देखिए ये अभी भी TGT में पूछा गया था, इसका आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट ग्रीन, बार बार पूछा जाता है, रॉबर्ट ग्रीन इसका आंसर है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने उनको क्रिटिसाइज किया है, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज किया है। तो मार्लो, लॉज और लिली भी नहीं है, रॉबर्ट ग्रीन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एनेग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, तो एनेग्नोरिसिस क्या है। तो एरिस्टोटल ने अपनी ट्रेजिडी में है ना बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, जैसे कि हेमार्सिया है, पेरिपेसिया है, ठीक है, ट्रेजिक फ्लो है, एटसेट्रा, तो उन्हीं में से ये एक है। तो एनेग्नोरिसिया द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, या फिर द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फॉर द प्रोटागोनिस्ट, या फिर हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, है ना, हैप्पी रिजोल्यूशन होगा तो फिर तो वो कॉमेडी हो जाएगी, द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट, तो फिर ये बहुत सारे प्लॉट हो जाएंगे उसमें, दोनों प्लॉट, मेन प्लॉट और एक और प्लॉट सब प्लॉट, तो इस तरह के क्लासिकल तो नहीं है, पर शेक्सपियर इस तरह के प्लॉट, मतलब जो ड्रामा है लिखा करते थे। पर अगर हम इसकी बात करें, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फॉर प्रोटागोनिस्ट, है ना, तो क्या है, जब उसका जो भाग्य है वो बदल जाता है, किसका, हीरो का, रिवर्सल हो जाता है उसके भाग्य में, पेरिपेसिया उसे हम कहते हैं। और जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ए, द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, किसी चीज़ का डिस्कवर होना, जैसे कि एरिस्टोटल की ओडिपस है, तो उसमें क्या होता है, बाद में हीरो को पता चलता है कि भाई जिससे उसने शादी कर ली है वो उसकी माँ है, तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है एक मूवमेंट की, उसे जान लिया उसने, तो ये एनेग्नोरिसिस है, ये एनेग्नोरिसिस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गायनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन गायनोक्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म ऑन वीमन, क्रिटिसिज्म बाय वीमन, या क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वीमन राइटर्स और वीमन एज राइटर। तो गायनोक्रिटिसिज्म जो है हमारे पास है वीमेन एज राइटर, गायनोक्रिटिसिज्म में जो वीमेन थी वो क्या थी, राइटर थी, राइटर थी। तो ये गायनोक्रिटिसिज्म है, ये जो टर्म है यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आते हैं, UGC नेट में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये जो टर्म ईजाद किया है वो किसने, एल ने, शॉर्टर ने किया है, शॉल्टर ने, है ना। और गायनोक्रिटिसिज्म इज अ टर्म कॉइंड इन 17th सेंचुरी, एल ने, शॉल्टर,
to construct a female framework for the analysis of women's literature. है ना, काइना क्रिटिसिज्म जो वीमेंस लिटरेचर है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए है. यहाँ पर फेमिनिस्ट पोइट हमें मिलते हैं, है ना, वो फेमिनिस्ट क्या फीमेल पोइट वीमन एज अ पोइट हमें यहाँ पर मिलती हैं. देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबरी ग्रुप. तो ब्लूम्सबरी ग्रुप से जो जुड़ी हुई थी वो वर्जीनिया वुल्फ जुड़ी हुई थी, वर्जीनिया वुल्फ. इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है. ब्लूम्सबरी ग्रुप आप इसे प्रिपेयर कर लें, यहाँ जो भी पोइट्स हैं वर्क पूछे जाते हैं. देखिए ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है लिटरेरी टर्म्स में डे 10 में, और ये वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है UGC नेट से मैं मतलब ये आया है, और इसका जो आंसर यहाँ पर है वो विंस्टन चर्चिल है. खैर ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, बड़ा प्रभावकारी ग्रुप रहा है ये, ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स फिलोसोफर्स एंड आर्टिस्ट. द बेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ विच इंक्लूड्स, तो अभी आप TZT के याद रख लीजिए कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से मेंबर थे. तो वर्जीनिया वुल्फ्स, जॉन मैनार्ड, E.M. फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, TZT के लिए याद रख लीजिए, और लेटन स्ट्रेटजी और भी हैं तो आप इन्हें याद रख लीजिए. वर्जीनिया क्या ब्लूम्सबरी ग्रुप. थोड़ा सा और डिटेल में मैं ब्लूम्सबरी ग्रुप आपको बताती हूँ एक और इस बुक से. क्या है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप एंड एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर इंटेलेक्चुअल्स फिलोसोफर्स एंड आर्टिस्ट. This lost collective of friends and relatives lived, worked and studied together near Bloomsbury. तो एक जगह है लंदन में, वहाँ पर ये रहा करते थे. 10 कोर मेंबर्स दे आर, और इसके 10 मुख्य मेंबर्स जो हैं अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ. और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ये बना था. तो क्लाइव बेल आर्ट क्रिटिक हैं, बेनिसा बेल पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं, E.M. फॉस्टर, भाई इनको याद रख लीजिए, फिक्शन राइटर हैं ये, रोजर फ्रे आर्ट क्रिटिक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं ये, डंकन गेंट, जॉन मैनार्ड, कीनेस इकोनॉमिस्ट ये रहे हैं, डेसमोंड मैकार्थी लिटरेरी जर्नलिस्ट हैं, लिटन स्ट्रेटजी बायोग्राफर है, इसको भी याद रख लीजिए, लियोनार्ड वुल्फ एसिस्ट हैं ये, नॉन फिक्शनल राइटर हैं, वर्जीनिया वुल्फ फिक्शनल राइटर हैं, एसिस्ट ये हैं. तो ये 10-12 जो मेंबर हैं वो मैंने आपको सॉरी 10 मेंबर हैं, जो 10 कोर मेंबर हैं इस ग्रुप के आपको बता दिए. तो इन 8 दिन में हम ये 125 क्वेश्चंस हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किए हैं. होप करती हूँ कि सारे ही आपको अच्छे लगे होंगे, है ना. आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा. थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है ये, मैं इसे पॉज करने वाली हूँ, पर उससे पहले कि भाई कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और जो 7-8 जो लेक्चर ये बने हैं प्रैक्टिस सेट 1 को मैंने बड़े ही डिटेल में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है YouTube पर कहीं नहीं है, और आप इसे देख लीजिए. तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस रिपीट होने ही हैं, ठीक है. तो श्योर सक्सेस के लिए आप इसे देखते रहिए. बाकी प्रैक्टिस सेट 2 हम कल करेंगे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.